प्यारे बच्चों नमस्कार। भाग्य और पुरुषार्थ नाम का हम चैप्टर लेकर उपस्थित हो गए हैं। जी हां, जैनेन्द्र कुमार का लिखा गया ये चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और भाग्य क्या है? क्या आपको भाग्य के सहारे बैठना है या पुरुषार्थ करना है? वो दोनों बातें आपको आज समझ में आने वाली हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या फिर फल में ही विश्वास करो, कर्म करना बंद कर दो। दोनों बातें आज समझ जाएंगे। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों चीजें हैं क्या? भाग्योदय क्या है, पुरुषार्थ क्या है, वो दोनों बातें आपको समझ में आने वाली हैं आज। जैनेन्द्र कुमार का बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खूबसूरत पाठ है। इसको आप सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों में बांट दीजिए। हमारे साथ उपेंद्र वर्मा जी हैं और माया जायसवाल, शिवम सिंह, अनन्या पाठक, न्यूटन जी हैं। स्वागत है आप सभी का, वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। अनन्या पाठक, न्यूटन एंड शिवम सिंह, माया जायसवाल जी, उपेंद्र जी, राज वर्मा भी हैं, राधे राधे, और पुष्पा दिराइज जी हैं, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसको, आनंदपूर्वक पढ़िएगा। बच्चों का ये था कि सर इसको जो है स्क्रीन को कलर चेंज करिए, थोड़ा सा तो कर लिया भाई, ठीक है, कलर चेंज करने को कहा था, कर लिया। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं, भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। शुरुआत में ही समझिए, भाग्य और पुरुषार्थ अलग नहीं तो विपरीत तो समझे ही जाते हैं, परंतु लेखक कहता है मैं ऐसा नहीं समझ पाता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। कहते हैं कि भाग्य का उदय यानी भाग्योदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ में मैं कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। मतलब यहां पर लेखक कहता है कि जो भाग्य का उदय है वो मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं, भाग्य प्रधान है। भाग्योदय शब्द क्या कहता है? अब आप यही सोचेंगे कि भाग्य का जो उदय है वो होगा, मेन तो भाग्योदय है, अपुन क्या चीज है, भाग्योदय मेन है, तो आप समझेंगे कि भाग्य प्रधान है। लेखक कहता है कि पुरुषार्थ मैं कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। पुरुषार्थ तो आप करेंगे, पुरुषार्थ मीन्स धर्मार्थ काम मोक्ष, ये आपके हाथ में है। धर्मार्थ काम मोक्ष यानी पुरुषार्थ तो आपके हाथ में है, लेकिन भाग्योदय तो आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उन्हें अपनी धन्यता मालूम होती है, ठीक है, और मुझे इसे स्वीकार करने में अपनी धन्यता मालूम होती है। एक शब्द है सूर्योदय, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां से। एक शब्द है सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता है। सूर्योदय यानी उदय सूरज का नहीं होता है, यह बात तो आप जान गए हैं। सूरज तो अक्षय अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है, फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। उदय सूर्य का नहीं होता है, आप जानते हैं। उदय किसका होता है? उदय सूर्य का नहीं होता है, सूर्य तो अपनी जगह पर अटल है, स्थिर है। घूमती कौन है? पृथ्वी घूमती है। तो उदय भाग्य का नहीं होता है। जब हम भाग्य के सामने होते हैं, हम भाग्य की ओर होते हैं अथवा भाग्य हमारे ओर होता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य का उदय हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूरज पृथ्वी की आड़ में छिप जाता है तो हम समझते हैं सूर्यास्त हो गया,
तो उसी प्रकार भाग्य हमारे सामने से हट जाता है तो हम समझते हैं भाग्यास्त हो गया, भाग्योदय नहीं। लेकिन अटल कौन रहता है? सूरज अटल है, भाग्य अटल है। जिस तरह सूरज अटल है, जिस तरह सूरज का भाग्योदय होता है, उसी प्रकार भाग्य अटल है। सूर्योदय होता है, उसी प्रकार भाग्य अटल है, भाग्योदय होता है। घूमते तो हम हैं, हम घूमेंगे। मान लो सपोज दैट ये इधर बोर्ड मेरे पीछे है, हम घूमेंगे, लेकिन ये बोर्ड अटल है, ये नहीं टल सकता। हम घूमेंगे तब हम बोर्ड के सामने आते हैं, क्योंकि बोर्ड नहीं घूमता, जैसे भाग्य नहीं घूमता, जैसे सूरज नहीं घूमता। तो इसी तरह उदय किसका होता है? उदय सूर्योदय का नहीं होता है, पृथ्वी सामने आती है, पृथ्वी के सामने सूर्य आते हैं, तो आप समझते हैं कि उदय हो गया। इसी तरह उदय भाग्य का नहीं होता है, हम भाग्य के सम्मुख आते हैं कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, तो हमें प्रतीत होता है कि उदय किसका हुआ? उदय भाग्य का हुआ। परंतु ऐसा नहीं है, भाग्य अटल है और हमारे ही आसपास रहता है। तो यही बात यहां पर समझाने की कोशिश की है जैनेन्द्र कुमार जी ने। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूं, वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। यहां पर लेखक कहता है कि भाग्य जो है वो विधाता परम पिता परमेश्वर, भाग्य विधाता ब्रह्मा का दूसरा नाम है। सर्वांतर्यामी और सार्वकालिक रूप में है, ठीक है। उनका अस्त ही कब है? कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूं कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए, तो इसी को हम भाग्योदय कहते हैं। जैसा हमने आपको समझाया, उदय भाग्य का नहीं होता है, भाग्य अटल है, जैसे उदय सूरज का नहीं होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता, पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है। अर्थात भाग्य को कहीं से खींच कर उदय में लाना नहीं है, ना अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ, मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों की अपने लिए मानते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र और दूसरे हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र रहें और दूसरे हमारे आसपास इसी भाव में भटका करें, इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं एक बार वो पीडीएफ खोलने की चेष्टा करता हूँ जो हमारे पास है, उपलब्ध है। तो हमारे पास जो उपलब्ध है वो मैं पीडीएफ ओपन करने की कोशिश करता हूँ। क्लास टेंथ कहाँ गया, क्लास ट्वेल्थ, एलेवेंथ है, क्लास टेंथ है और क्लास ट्वेल्थ ये है। हाँ, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, क्योंकि वहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। पूरी किताब हमारे पास है तो इसी पीडीएफ को हम जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जैनेन्द्र कुमार जी का पाठ है और ये आपका है भाग्य और पुरुषार्थ। एक बार आप कमेंट कर दीजिए आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। हाँ, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। सौरभ अहिर जी हमारे साथ हैं जो कि हमारे सदस्य भी हैं, और ओम यादव हैं, अनन्या पाठक, अखिलेश कुमार,
साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए तो हम कहां थे, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो पीडीएफ अच्छी नहीं है। हाँ, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है, ठीक। हाँ, यहां पर से थे हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, ना अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, ठीक। सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है, और मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से मोहब्बत करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल रखना चाहते हैं, अनुकूल चाहते हैं, चाहते ये हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे हमारे आसपास इसी भाव से मंडराया करें। और इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती, तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वो हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है, कुछ क्षण के लिए हमारी अहंता को शून्य कर जाता है। एक बार प्रेम से इसको समझना है। देखो, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोग हमारी सेवा करें, हम ये चाहते हैं कि सब हमारे लिए हो, हम ये चाहते हैं सब मेरे अनुकूल हो, सब मेरा हो, सब अपना हो, ठीक है। अपने में ही चूर रहते हैं। अब जब अपने में चूर रहते हैं तो और इच्छा यही रहती है कि सब मेरी सेवा प्रतिष्ठा करने के लिए, मेरी विचार की तरह मेरे ही विचारों में ढलते रहें, मेरे आसपास मंडराया करें। लेकिन क्या होता है, ये सोचते सोचते अचानक से दुख आ पड़ता है। जब दुख आ पड़ता है तो वो हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है, विदीर्ण यानी भीतर तक तोड़ कर रख देता है, भीतर तक हमें तोड़ डालता है, और कुछ क्षण के लिए हमारी अहंता को शून्य कर जाता है। इस अहंता का मतलब जानते हो, अपनेपन का भाव, अहंकारिता का भाव, मैं का भाव, कि मैं ही सब कुछ हूं, सब मेरे अनुकूल हो, इसको अहंता कहेंगे। अहंता अपने स्वयं के भाव को तोड़ डालता है, उस समय हम अहंता खत्म हो जाती हमारी, अहंता को शून्य कर डालता है। वो शून्य अवस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। जब दुख आता है तो हमारा जो अहंकार होता है वो शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है तब हम किससे जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। क्योंकि जब तक अहंकार है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब था मैं तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्योंकि जब अहंकार होता है तो ईश्वर नहीं, और जब ईश्वर होता है तो अहंकार नहीं। जब ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। यही भाव यहां पर है कि जब अहंकार शून्यता होती है, जब अहम शून्य हो जाता है, तो ये अहम की शून्य अवस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है ये अहमता। कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। किसको, दुख को। श्रद्धा भी मनु को समझाती हुई कहती है कि दुख जिसको तुम अभिशाप समझे हो, दरअसल वो ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, तो ये ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। क्योंकि जब दुख आता है तभी हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। यही बात यहाँ पर कही जाती है कि भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। क्या
जयशंकर प्रसाद भी यही बात स्पष्ट करते हैं श्रद्धा मनु में। अभी हमने आपको सुनाया कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत का ज्वालाओं, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ये दुख को नहीं भूलना है, ईश्वर का वो रहस्यमयी वरदान है, समस्त ज्वालाओं का मूल जिसको तुम समझ रहे हो, दरअसल ये जो दुख है ये ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है। वही जैनेन्द्र कुमार जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दुख भगवान का वरदान है, क्या है, दुख भगवान का वरदान है, अहम और किसी औषधि से नहीं गलता भाई साहब। अहम मतलब अहंकार, ये जो घमंड है इसकी केवल एक दवा है दुख। जैसे ही दुख आता है घमंड चूर चूर हो जाता है। कितने अरबपति हो, फूलों की सेज पे सोते हों, चाहे पैसों की सेज को ओढ़ते बिछाते हों, लेकिन जब दुख आता है तो वो सारी की सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं। इसीलिए दुख को भगवान का वरदान कहा है कि कितना भी बड़ा अहंकार हो, कितना भी अहम हो, अहम और किसी औषधि से नहीं गलता, क्योंकि ये दुख जो है वो औषधि है। दुख ही भगवान का अमृत है, वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। हम अगर ये पहचान लें कि जो दुख हुआ है ये भगवान की कृपा से हुआ है, तो वो जो दुख होगा वो क्या होगा, तो उस क्षण ये सरल हो जाता है कि मतलब यहाँ अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें, उस क्षण ये सरल होता है कि हम अपने से जुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों, मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। बस इसी सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कणकण में व्याप्त है, सदा सर्वदा है ही। किसका, भाग्य का उदय क्या होना है, भाग्य तो सर्वत्र है, भाग्य तो कणकण में व्याप्त है, क्योंकि भाग्य को ही भगवान कह दिया इन्होंने और भगवान कणकण में व्याप्त है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। जब उस प्रकाश की ओर हमारी आंखें खुल जाएंगी तभी समझेंगे हम कि भाग्य का उदय हो गया। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए ही है, प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। दुनिया में हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है, कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं देखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में ये कह उठें कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। यानी अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में ये कह उठें कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश ये होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। भाग्य कभी उल्टा सीधा नहीं होता, क्योंकि लेखक कहता है उसकी सत्ता, उस भाग्य की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, कणकण में व्याप्त है, वहां दिशाएं तक समाप्त हैं, वहां दिशाएं नहीं होती, भाग्य की दिशाएं नहीं होती। विमुख और सम्मुख तो केवल जैसा वहां कुछ संभव ही नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश ये दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है, नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूं कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है, तब उसे सहयोग न मिले तो विस्मय ही क्या है। ठीक है, हाँ, फिर आगे देखिए, ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं है, कर्तव्य का क्षय है। समझ गए आप? अगर आप अकर्म कहते हैं, अगर आप अकर्मण्यशील हैं, आप अकर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, आप अकर्मण्य हैं, तो अकर्म का मतलब ये नहीं है कि वहां कर्म का अभाव नहीं, कर्म का वहां अभाव नहीं है, कर्तव्य का क्षय है। यानी आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्तव्य नहीं कर रहे हैं।
मैं ये कर रहा हूं, मैं वो करने वाला हूं, ये सब कुछ करके छोड़ूंगा आदि आदि। अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं भैया। अहंकार से किया गया कर्म, आई डिड इट, मैं इसको करके छोड़ूंगा। I am, मैं हूं, इट इज आई, मैं हूं, अहम, अहंकार, भयंकर अभिमान। तो अब ये मैं हूं, मैं करके छोड़ूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं आदि आदि आदि। अहंकारों से किया गया कर्म सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाइए, बंधन और क्लेश ही उपजाएगा, तो इसमें तर्क की कोई संगति नहीं, तर्क की इसमें कोई मतलब नहीं। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी है। अहंकार के बल पर चलने से यह सहयोग छीण होता है, तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना। पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को सब प्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। सहयुक्त, साथ में लगा हुआ, सब प्रयास, प्रयास के साथ। ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। कुल मिला के लेखक ये कहना चाहता है कि जब पुरुष अपने अहंकार से मुक्त होता है तभी भाग्य से युक्त होता है। अगर वह अहंकार में लीन रहेगा तो भाग्य में क्या होगा, भाग्य से युक्त नहीं हो पाएगा। तो वही है, भाग्य से व्यक्ति तभी संयुक्त होगा जब अहंकार से वियुक्त होगा, यानी अलग होगा। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग यानी अलग कर रहे हैं। जब लोग पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ एक ही हैं। और पुरुष का अर्थ है क्या, पशु का ही अर्थ है? अरे बल विक्रम में तो पशु में ज्यादा ताकत होती है, बल विक्रम में पशु ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न है और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख जा सकता है, किंतु ये पुरुष के लिए ही संभव है कि वो आत्मविसर्जन में पराक्रम दिखाए। भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं और भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहां, क्योंकि भाग्य के यदि हम आत्मीय बने, आत्मीय माने प्रेमी, मित्र बने, तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए। तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रतिक्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। भाग्य यहां से वहां तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता, उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती, उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं, अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है, मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है। इसीलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ धर्मार्थ का मोक्ष कर्म, वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इससे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है,
आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, कितने जीते हैं? गिनती से के कुछ ही साल जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं, सदा के लिए। चाहे फिर भी पैदा होते हों, लेकिन हमारी ये अहंता तो यहीं की यहीं, हमारा ये अहंकार यहीं का यहीं रह जाता है। भले ही लोग 84 लाख जन्म मानते हैं, भले ही हम बार बार जन्म लेते हों, लेकिन इस जन्म की अहंकारिता, अहमता यहीं पर धरी की धरी रह जाती है, अगले जन्म में काम नहीं आती है, अगले जन्म से कोई तात्पर्य नहीं बचता है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो निरंतर चलता रहता है, समय चलता रहता है, क्योंकि जन्म का प्रवाह अनंत है। आपने पढ़ा, जन्म का प्रवाह अनंत है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय यानी कुछ वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व मतलब वजूद को लेकर सब कुछ मान लें, उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें? ये गलत बात है। लेखक कहते हैं कि हमारा ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, 3.5 हाथ यानी 84 अंगुल का शरीर है। एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं? एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। और 3.5 हाथ में कितने अंगुल होंगे? 24 तिया 72 और 72 और 12 84। तो 84 अंगुल का शरीर है। अगर किसी का शरीर अपने उंगलियों से 85 अंगुल हो जाए तो समझ लो मनुष्य नहीं, देवता है। तो 84 अंगुल का शरीर है, 84 लाख योनियों में भटकना है, 84 लाख प्रजातियों में जन्म लेना है, और 84 लाख में बार मनुष्य का जीवन पाना है। उसमें भी पुरुषार्थ न कर सकें, अहंकार में लीन रहें, ये गलत बात है, क्योंकि वजूद 3.5 हाथ का है। ये 3.5 हाथ का वजूद है पूरा शरीर। ये 3.5 हाथ का वजूद 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें, ये गलत बात है। भाग्य को ना मानना इस तरह उस सब कुछ को ना मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का होता है, उसी का है, और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ, उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। समझ में आया आपको? आगे बढ़िए, शेयर कर दीजिए भैया। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा। अर्थ यानी कि धन, अगर धन हमारा स्वार्थ बन जाए, अपना अर्थ बन जाए, अपना स्वार्थ का मतलब होता है स्वार्थ, अपना अर्थ, अपना मतलब बन जाए, स्वार्थ बन जाए। अर्थ यानी धन अगर हमारा स्वार्थ बन जाएगा तो पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा। पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को सप्रयास रखे। अगर भाग्य के परमार्थ से, परमार्थ मतलब होता है भलाई से, उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, उस स्वार्थ के जो चक्र में हैं वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित है ही, केवल उनकी पीठ उस तरफ है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वो भी उसी के प्रकाश में प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है, सुंदर। कमनीय माने सुंदर। इच्छाएं नाना हैं और नाना विध हैं, यानी इच्छाएं विभिन्न हैं और विभिन्न प्रकार की हैं, वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। प्रवृत्ति से वो रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वो चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की आवासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही से उसे हाथ में छटपटाहट और झुंझलाहट ही अंत में आती है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वह नत नम्र होकर भाग्य को सिराखों लगा लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा, पुरुषार्थ की समाप्ति मानेगा, तभी उसका भाग्योदय हो सकता है। तो उदय भाग्य का नहीं होता है। पूरे चैप्टर में हमने यही समझा कि हम भाग्य से अलग रहते हैं, हम सब प्रयास नहीं हैं। अगर हम सब प्रयास भी होते हैं तो अहंकार का भाव हमारे साथ रहता है। जब अहंकार का भाव हमारे साथ रहता है तो हम भाग्य रूपी भगवान से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि भगवान
अहंकार के मध्य नहीं आ सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, मैंने समझाया आपको, जब तक अहंकार रहेगा तब तक भाग्य का उदय नहीं हो सकता। स्वयं का वजूद ही सब कुछ है, तो स्वयं तुम ही हो, तुम स्वयं को स्वयं बहुत कुछ मानते हो, तो उदय भाग्य का नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप सप्रयास हैं, एक सही दिशा में निरंतर कर्म कर रहे हैं अहम शून्यता के साथ, तभी आपका भाग्योदय होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था। अब इसके गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर हम आपको करा देंगे, फिर हम काव्य की ओर ले चलेंगे आपको, काव्य की दुनिया में। ठीक है, क्लास टेंथ स्टडी जी, आज क्लास टेंथ नहीं होगा भाई। बात ये होती है कि समस्या हो जाती है, टाइपिंग चीज़ें नहीं रहती हैं तो कैसे पढ़ा दिया जाए। निर्मल कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, आशीष सरदार जी हैं और फिरोजा मानो जी हैं, नमस्ते भाई, अमित जी हैं, पवन यादव हैं, ठीक है, पलक पांडे, सत्यवान कश्यप जी हैं, रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, महेंद्र पाल जी हैं। ये सामान्य हिंदी में नहीं है भाई, मैंने थंबनेल पे ही लिख रखा है साहित्यिक हिंदी, तो सामान्य हिंदी का चैप्टर होगा, वो मैं सामान्य हिंदी का बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी अगर बहुत जल्दी है आपको कि नहीं मैं आज ही सारे चैप्टर पढ़ लूँगा, नहीं मुझे आज ही पूरा इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है, तो स्वागत है उसके लिए भी। आप चाहें तो आज ही रात भर पढ़ के 10 चैप्टर पढ़ सकते हैं। चूंकि पिछले 3 वर्षों से लगातार मैं लाइव क्लासेस चलाता रहता हूँ, हर वर्ष नए सिरे से, नए तरीके से, नया सिलेबस, नई विधियों से और निखार के साथ और परिष्करण के साथ, ठीक है, परिष्कार के साथ मैं लाता रहता हूँ, हमेशा नए तरीके से, नई विधि से पढ़ाता हूँ। तो 3 बार लाइव क्लासेस, 3 प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी, 2021 की, 2022 की और 2023 की। अब 2024 की प्लेलिस्ट आप अगर 2024 के लिए पढ़ रहे हैं, 2024 की प्लेलिस्ट है, 25 आएगा तो 25 के लिए प्लेलिस्ट है, हर एक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको जल्दबाजी है, नहीं मुझे पढ़ना ही है, मैं आज ही सारे चैप्टर खत्म करूंगा, तो लाइव क्लास की आवश्यकता नहीं है, प्लेलिस्ट 2000 पुरानी 2023 वाली बनी हुई है, तो आप पुरानी प्लेलिस्ट से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। बस ये है उसमें 70% है और अब आपको 100% पढ़ना है, इतना अंतर है। तो तब तक आप वो 70% कंप्लीट कर लीजिए भाई, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो इस मेहनत को पहचानिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करके खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस सही स्पेलिंग डालिएगा तो मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही अपडेट मिलती रहती हैं। ठीक है, शुक्रिया।